हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चेहरे के काले दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ और कालेपन को दूर करने का बहुत ही आसान घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसकी मदद से आप काफ़ी आसानी से अपने चेहरे की सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं और अपने चेहरे को गोरा, चमकदार और सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पर एक खाली बाउल, और इस खाली बाउल में मैं सबसे पहले जो चीज़ लूँगा वह दोस्तों फेयर लवली क्रीम, जो कि आप मेरे पास देख रहे हैं। दोस्तों, ये मात्र 8 रुपये का पाउच आता है। आप चाहो तो बड़ी वाली भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर छोटी वाली ली है। तो हम यहाँ पर इसमें 1/2 चम्मच के अलावा फेयर लवली क्रीम ऐड करेंगे। ये दोस्तों, मैंने फेयर लवली क्रीम इसमें 1/2 चम्मच के बराबर ले ली है। अब दोस्तों, अगली चीज़ जो हम लेंगे वो सिंपल वाला कॉलेट का पेस्ट। आपको यहाँ पर सिर्फ सिंपल वाले कॉलेट का पेस्ट का ही इस्तेमाल करना है, इसके अलावा आप और कोई पेस्ट ना लें। तो देखिए, इतना सा हम यहाँ पर सिर्फ पेस्ट इसमें जो है ऐड करेंगे। कॉलेट का पेस्ट हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे चेहरे के काले दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, साथ ही हमारे चेहरे को गोरा और चमकता बनाता है। दोनों चीज़ लेने के बाद दोस्तों, अगली चीज़ जो हम लेंगे वह दोस्तों शहद। हम दोस्तों इसमें थोड़ा सा जो है 1/2 चम्मच शहद ऐड करेंगे। शहद दोस्तों हमारे चेहरे पर मॉइस्चराइज का काम करता है, ये हमारे चेहरे को ग्लोइंग बनाता है, साथ ही शहद की मदद से हमारे चेहरे के काले दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ भी खत्म हो जाती हैं। शहद हमारे त्वचा पर फेशियल मास्क की तरह काम करता है। तो दोस्तों, आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छे से जो मिक्स करना है। इस तरीके से दोस्तों मिक्स करने के बाद में अब आपको इसमें ऐड करना थोड़ा सा 5-6 बूंद के बराबर नींबू का रस, इतना सा। दोस्तों, नींबू का रस हमारी त्वचा पर ब्लीच की तरह काम करता है। नींबू के रस की मदद से हमारे चेहरे के काले दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, साथ ही नींबू का रस हमारे बंद पोर्स को खोलता है। नींबू के रस की मदद से हमारे चेहरे पर काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आपका पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों, इसे लगाने का तरीका वो ये है, आप जो है रात को सोने से पहले इस तरीके से उंगलियों से इस पेस्ट को लें और अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करें। गोल गोल आपको मसाज करते हुए इसे अपने चेहरे पर लगाना है। दोस्तों, इस पेस्ट को आप 3-4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आपको इस नुस्खे को सिर्फ रात को सोने से पहले ही अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। इस तरीके से आपको लगा लेना है। फिर दोस्तों, आपको इसे 10 मिनट तक इसी तरीके से लगा हुआ छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद में दोस्तों, आपको इसे पानी से धोना नहीं है, आपको इसे सूखे कपड़े से पोंछ के साफ करना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर इसके बाद में आपको कुछ नहीं अपने चेहरे पर लगाना दोस्तों। फिर आपको बस सुबह उठकर अपने चेहरे को किसी फेस वॉश से धोकर साफ कर लेना है। दोस्तों, इस उपाय को आप रेगुलर 3 दिन तक करें। 3 दिन के इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपके चेहरे पर काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा। तो दोस्तों, इस नुस्खे को आप रेगुलर आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये नुस्खा पसंद आता है तो आप इसे 1-2 महीने आपका मन चाहे जब तक कर सकते हैं, आपको इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊँ कुछ ऐसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय।